है डे फोर्थ हम लोग का मॉस्को सीरीज़ का, और आज हम लोग मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे जो सबसे बढ़िया, आज वहाँ जाएंगे और एक दो जगह और जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो पकड़ते हैं अभी यहाँ से मेट्रो और फिर चलते हैं। ओके यार, मॉस्को में भी डोमिनोज पहला हमको दिखा, ये रहा, ये पहली बार पता नहीं कैसे दिख गया। वैसे तो इधर है नहीं, अभी खुल रहा है शायद इधर। और ये जितना भी एरिया, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी है ना मॉस्को की, जितनी भी हो गई वो इसी के आसपास है। ये एकेडमिया वाला बोल सकते हो जो मेट्रो स्टेशन है, एकेडमिया नाम से ही है, पूरी एकेडमी इधर ही है जितनी भी उस तरफ। और अभी हम वहाँ जा रहे हैं, वो दिख रही होगी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी वहाँ। और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के हम थोड़े से पास और पहुंच गए, इतने देर से चल ही रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा दूर है ये सही में। और वो बस आने वाली है, दिख जाएगा। पर बहुत सही लग रहा है यहाँ, ओरनबर्ग टाइप का लग रहा है क्योंकि बिल्डिंग्स कम है, गार्डन ज़्यादा है। ये यार सीरियसली, अभी हम यूनिवर्सिटी के सामने हैं और मेरे जो रोंगटे खड़े हो गए ना, मैं बता नहीं सकता यार। इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी है तुम सोच नहीं सकते। मैं वही सोच रहा हूँ कि यहाँ क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ मैं यार, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ना, बच्चे खेल रहे, पूरे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, सबको ही है यहाँ पे, फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा है। सही में रुको, देखो मैं दिखाता हूँ सामने बिल्डिंग, देखो तुम इसकी पहले, ये देखो ये रही यूनिवर्सिटी। तुम लोग तो फोन से देख रहे हो, मैं अगर जो सामने से देख रहा हूँ ना, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार जन्नत से कम नहीं है ये जगह। हम हर जगह घूमने जाते हैं पर ऐसी चीज कहीं नहीं मिलती। देखो थोड़ा बाजू आ जाता हूँ बीच में यार, इतना बड़ा कैंपस है ना एम्स का, इंडिया में इतना बड़ा कैंपस किसी यूनिवर्सिटी का नहीं होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ा कैंपस है। ये देखो ये रही सामने से क्लॉक लगी, हार्वर्ड टाइप का लग रहा है यार ये, सीरियसली ये होती है यूनिवर्सिटीज यहाँ पढ़ने में। सोचो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए, हम जैसे पागलों के लिए तो वैसे है नहीं है, पर मेरा भी एक ड्रीम रहेगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ो। अब बहुत ही प्यारी यार, बहुत ज़्यादा, इससे अच्छी चीज़ मैंने मॉस्को में कहीं नहीं देखी, जो मुझे यहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए ना जो मेरे, इससे अच्छी चीज़ मैंने नहीं देखी यार यहाँ पे। ये देखो पूरा उस तरफ ग्राउंड है, ऐसा है उस तरफ जो ग्राउंड है वहाँ खेल रहे सब लोग, और ऐसा है देखो बच्चे लेटे हुए हैं भाई चड्डी में। और ये है मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि लोमोनोस्की यूनिवर्सिटी भी इसको बोलते हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़ी है बहुत। ये है हम बिल्कुल सामने मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के, हमने से देखो कितनी अच्छी लगी। तो ऊपर कुछ सोने का लगा हुआ है, बहुत कुछ लगा हुआ है, बहुत सारी हैं चीज़ें यहाँ पे। स्टेट यूनिवर्सिटी भी और सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है मॉस्को की जिसपे बच्चे मरते हैं, ठीक है आने के लिए। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, बहुत ज़्यादा, और उतने प्यारा मैं दिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम जाएंगे खाने पे। इतने सारे कॉर्पस है ना, जैसे ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जैसे औरंगाबाद में था वो, वहाँ पे ग्लावना या कॉर्पस है, बहुत बड़ी बड़ी जगह है यहाँ पे, और काफ़ी सही है वैसे यूनिवर्सिटी है। एक देखनी थी, ये भी हमारे लिस्ट में था तो देख लिया ये भी। और यार मैं हूँ अभी मॉस्को यूनिवर्सिटी के बाहर, जो पीछे देख रहे हो ये भी कॉर्पस है, जो इधर देख रहे हो ये भी कॉर्पस है, और हर जगह कॉर्पस ही हैं, पूरा एरिया ही वही है क्योंकि। और बहुत ही सही जगह है यार, बहुत ज़्यादा, पूरा एकेडमी जिसकी एरिया ही है, ठीक है।
और अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे, इंडियन करी कोई रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट जो हम यहीं पे ढूंढ रहे थे तो उनको मिला, और आज का खाना तो वहीं जाके खा लें क्योंकि, और मॉस्को से यार बहुत ज़्यादा दूर आ गए हम वैसे रहते तो सिटी सेंट्रल में बिल्कुल, पर अभी हम बहुत ज़्यादा दूर आ गए, कम से कम मान लो 24 किलोमीटर दूर मॉस्को से, तो ऐसा कुछ सीन है। बाकी देखते हैं कैसा खाना है और बताता हूँ तुम्हें रिव्यूज़। और ये यहीं पे हमारा इंडियन करी रेस्टोरेंट, अंदर कहीं पे बोल रहे सेकंड फ्लोर पे, लेट्स सी कहाँ पे। भाई रही सी तो मॉस्को में कूट कूट के भरी हुई है बहुत ही ज़्यादा। बहुत सारे ओके वो रहा ये रहा हमारा रेस्टोरेंट इंडियन करी, चलो चलते हैं। और यार ये सब मेन्यू यहाँ पे वैसे तो ठीक ही है, जैसे ये 2000 का दो लोग के लिए इतना है, ऐसे है पूरा ये रेट देख सकते हो तुम लोग, और आधे बाय इतना ही सा है। यार यहाँ पे ये देखो चाइनीज़ फूड भी है, ये बहुत सारे इधर इटालियन चाइनीज़ जॉर्जियन इंडियन और भी बहुत सारे हैं, बहुत सही है वैसे जगह तो। ये मिला है हमको इंडियन करी में, पूरी थाली मंगाई है हमने 800 की, ठीक है एक एक थाली 800 की है, जिसमें कि ये रायता है, ये सैलड, ये हमारी पनीर की सब्जी, फिर ये पालक पनीर, ये दाल चावल और लस्सी, और यहाँ की रोटी, इतना सारा खाना है और अब खाएंगे। और यार अभी बैठ के खाना खा रहे हैं ठीक है, और अभी पता इस शॉप का जो ओनर है वो अभी हम लोग को मिले थे, एक यूट्यूब में चैनल है इंडियंस इंडियन मैन इन रशियन स्टाइल, बोल ना इंडियन लाइफ इन रशियन, हाँ इंडियन लाइफ इन रशियन स्टाइल वो मिले थे, पर जल्दी में थे तो भैया चले गए ठीक है, उनके साथ नहीं ले पाया मैं, पर उन्हीं का रेस्टोरेंट है, वो 13 साल से थे यहाँ पे ठीक है, और मेरे को तो पता नहीं था उनका चैनल भी है, जब उनने मेरे को बताया कि उनने पूछा कि यार तुम भी यूट्यूबर हो ऐसा ऐसा करके, बोला हाँ भैया, फिर उनने बताया मेरा भी है और शादीशुदा भी है भैया, ये भी नहीं पता था, मैं सोचा ऐसे ही होंगे, और उनके एक दो वीडियो मैंने पहले देख रखे थे और मेरे को पता नहीं था इतना कि वो ही है, अभी आज देखा मैंने तब थोड़ा पता चला कि हाँ यार, तो थोड़ा अच्छा भी लगा। और एक और को तुम जानते होंगे नोमाड शुभम करके है, वो भी अभी मॉस्को ही आया हुआ है वो भी, तो वो भी इन्हीं ने बताया था, वो शायद कल परसों में आएंगे पर हम लोग तो निकल जाएंगे जब, तो ऐसा सीन है कुछ, बट मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे बात करके, क्योंकि नए लोग से मिलोगे तभी तो तुम्हें कुछ सीखने मिलेगा है ना, तो खाते हैं फिर चले जाएंगे घर। तो मैं तो इतना यार बता नहीं पाता हूँ वीडियो में पता, क्योंकि थोड़ी सी शर्म टाइप की आने लगती है मेरे को ऐसा बनाने में, ये खा रहे हैं पता नहीं क्यों एक इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर हो जाता है वीडियो बनाते बनाते, कि सबके सामने ऐसा थोड़ा शर्म से आने लगती है, खास करके यूट्यूब के लिए, तो ऐसे मैं रास्ते में भी थोड़ा कम बनाता हूँ, पर वो धीरे धीरे आदत चले जाएगी मेरी ठीक है, तो रखता हूँ मैं खाता हूँ फिर बताता हूँ। और अभी हम लोग का खाना खा के हो गया है, ऑलमोस्ट पूरा मॉस्को घूम ही लिया यार चप्पा चप्पा, और अब खाना भी अच्छा था वैसे, एक यूट्यूबर था जो बता दिया मैंने उसी का था, उन्हीं का था मतलब बड़े ही है मेरे से तो, और ठीक था खाना, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा भयंकर सा नहीं लगा ठीक है, करी अब गए थे वहाँ का भी अच्छा था, यहाँ का भी ठीक है अच्छा ही है, सबसे अच्छा खाना तो यार इंडिया का ही लगता है, ढाबे में खाओ बैठ के वहीं का, दोनों जगह का सही था, 1600 या 1800 का यहाँ पे बना था ठीक है। बाकी आखिरी में बता दूंगा मैं मॉस्को कितने रुपए में घूमे हम, एक बार हो जाए पूरा, बस अब जा रहे हैं घर, घर जाके देखेंगे कुछ करने का मन होगा तो करेंगे नहीं तो सो जाएंगे।
और बस मेट्रो की तरफ जाते हुए, अभी फिर से मेट्रो में। और ये देखो, कहीं पे भी जाना होता है ये बोर्ड देखो, हर जगह बोर्ड लगे हुए हैं। अब हमको सेकंड नंबर की लाइन लेनी थी और ये नोवोकोज़ेंस्काय में जाना है, जहाँ 6 और 8 नंबर की मेट्रो मिले। और ये हमारी मेट्रो आ भी गई बड़ी जल्दी, हर 30 सेकंड में आ जाती है यार। हो रहा नोवोकोज़ेंस्काय, अब चलते हैं इसमें और पहुंच जाएंगे बिल्कुल हॉस्टल के सामने। हॉस्टल नहीं सॉरी, जो होटल है हमारा उसके सामने बैठ गए।